हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 3:30 बज रहा है और बस धूप और गर्मी तो बहुत तेज वाली पड़ रही है। गांव में क्या, हर जगह ही धूप और गर्मी बहुत तेज है। घर से निकलने का मन नहीं होता, बट ऐसे समय पे हम लोग आए हैं। शादियां इतनी ज्यादा नहीं, इस समय ना गाँव में बहुत सारी शादियां हैं, 6-7 शादियां थे। हम लोग के आने से पहले भी 2-3 शादियां बीत गई हैं। अभी आज आज भी एक चाचा लगते हैं, उनकी बेटी की शादी है, तो बस मम्मी लगी हुई है उसी सब में। न्योता उता करना है और आज झारा न्योता। हम लोग को शाम को खाना नहीं बनाना है, सभी लोगों को वहीं पे खाना वाना खाना है। सोना और पूजा, वो दोनों बड़ी वाली मम्मी के घर पे गई हुई, करीबन घंटे भर हो गया वो लोग गई हुई है। कुछ सिलाई करना था, कपड़े उनका फिटिंग करना था, सोनाली का और पूजा का, तो वही लोग लेकर गई हैं। तो बस अब मैं भी जा रही हूँ, मैं भी बस रेडी हो गई क्योंकि कुछ पहनने का मन नहीं हो रहा। फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है। ये अपना ना, ये वाला जो सूट है ना, ये हल्का है, बहुत ही कॉटन का है, तो मैंने यही कॉटन का अपना सूट पहन लिया है। बस चलिए चलते हैं बड़ी वाली मम्मी के घर पे, देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, कब के गए हुए हैं ये लोग। और प्रिंस और निखिल अभी जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि मम्मी कुछ सामान मंगाना, न्योता करने के लिए देना है। सब कुछ देते हैं ना, लड़की की शादी रहती है चाहे लड़के की, तो वो सब कुछ देते हैं इकट्ठा करके, न्योता करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं निकल चुकी हूँ और ये देख सकते हैं धूप, इतनी भयंकर वाली धूप है ना कि बस पूछिए मत। तुम सबको घंटे भर से इंतजार कर रही हूँ कि कौन सा सिलाई तुम लोग कर रही हो। हैं, ये लड़की सगर दिन घूमती है ये। कहाँ करी घर पर? ये चलो, मैं जा रही थी माया घरे। का कर रही थी? काम चला। कौन सा काम करने? चल मैं जा रही हूँ, आ गई इतना दूर तब जा। ई का होता है? बचपन का याद तो ठीक है, लेकिन अब इतने बड़े होगा, नानी की साड़ी फट नहीं जाएगी? नहीं, साड़ी तो मजबूत झिलाऊ। पेड़ टूट जाएगा। इतनी चीटियां है ना, चूटियां करे, इतनी चीटियां है ना इसमें। अरे पेड़ वहां टूट जाए राय दे। निकल, तू जल्दी निकल, तू निकल जा। निखिल, क्या क्या लाया मार्केट गए थे? खीरा, पलकी, अदरक, नींबू, का कहते हैं, धनिया। अच्छा, बस नींबू पानी बनाते? नींबू दूठ है, नींबू पानी ज्यादा लाए होते ना, एक पाव ले लिए होते हैं नींबू। पैसा ना रहा। कितना पैसे लग गए थे? 35 रुपये। 35 रुपये में कौन सा बाजार होती। बाबू उतना मुझे भी दे दो, थोड़ी से दे दो। मार दूंगी। थोड़ी से दे दो, मुझे भी देना। किसका वो जूता पापा का रखा है क्या? ठीक है, मैं कटोरी ला रही हूँ, मेरे लिए भी कट कर दो। पूजा कटोरी आई ले ले। पूजा बर्तन धुल रही है, मैं भी जा रही हूँ, थोड़ा सा तरबूज खाती हूँ। माया घर गई थी, बैठी थी वहीं पे, अभी आई हूँ मैं। और अभी मुझे धुलने कपड़े, तो कपड़े धुलते पहले तरबूज खा लेती हूँ। दे दो मुझे, काट कर दे दो। मीठा है बाबू? देखने में तो एकदम लाल है, एकदम लाल है। लाल है, मीठा है, लाल है। पूरा गिरा दिया, अपना सारा तो गिरा दिया तुमने। कैसा कटाया देखा? यहाँ पे बाल ही नहीं है तुम्हारा, ऐसे रहता नहीं। ठीक है, चलो बाल भी कटा के आया निखिल, मैंने बोला साइड से कटा लो क्योंकि थोड़ा सा ना अजीब सा हो गया था, थोड़ा थोड़ा सेट करवा लिया इसने भी। सही से लगावा तीनों जने मिलके। ये में बहुत ज्यादा फरल अमृत हुआ, फरा तो बहुत ज्यादा है। पिछली बार भी भाभी हम लोग आए थे, जब जाए लगने फिर उसके बाद फरल पक्के लगल। अब देखा है उदयन इतने बड़ा बड़ा है, इतना सारा फरल अमृत मेरा। चल पेड़ तड़प रहा है, चल अपनी घूम जा। वो पता नहीं कहाँ कपड़े डाल दो, कहाँ से
परस भी नहीं है इसे। ए पूजा परस ना। ए पूजा, ए मौसी, ए पूजा, ए मौसी, ए मौसी ब्रश कपड़ा धुले वाला। किसी का परस नहीं मिलेगा, देख मिले तो नया, इससे थोड़ी ना परस रगड़ा ही नहीं जा रहा है। फिर हाथ से रगड़ दा, ला ऐसे रगड़ा। गई लेने के लिए बस। साफ नहीं होगा ना इसमें, देख झाग ही इससे पूरा साफ हो जाएगा। काला का काला ही है गांव में, सभी लोग अपने आप कपड़े धो लेते हैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि यहाँ कौन इतना पानी है चलाएगा। अच्छा ठीक है ना। शादी का गाना बज रहा, डीजे लगा रखा, डीजे यहाँ पे है फ्रेंड्स। शादी, मम्मी जा रही है लकड़ी जलाने के लिए, सारा लकड़ी। और शाम के टाइम ना इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा लग रहा है। यहाँ पे है शादी चाचा के घर पे, यहाँ पे जाएंगे हम लोग, रात में जाएंगे, और रात में जब बारात आ जाएगी ना तब जाएंगे। सुना, इतना अच्छा लग रहा है ना। चलो बाबू वॉक करके आते हैं, चलो उधर घूम के आते हैं खेत में। मम्मी सारा ना लकड़ी, ये दुनिया भर के ये ना कूड़े उड़े आए सारा, तो बल जलाने जा रही है यहाँ पे। ए भाभी आवाज से एकला, अरे बुझ जाएगा। मेरी भाभी, चलो भाभी घूम के आए क्या उधर, घूम के आते उधर, बहुत अच्छी हवा चल रही है, जा रहे भावुक लगा के। चलो ठंडी ठंडी हवा चल रही भाभी है ना। उधर तो हम लोग पिछली बार जब आए थे ना तो डेली रात में आते थे घूमने के लिए इधर। ये आ गया भाई हमारा खाना। तू जा प्रिंस खाइबा, एक ही बार खा लेने। हाँ सब्जी पूड़ी और क्या बाबू, खीरा सलाद है पूरा, इसमें भी है सलाद, दाल चावल सब्जी, पालक की सब्जी है। पालक पनीर है, पनीर कहाँ है इसमें, वो बढ़िया है। चलो खा लेते हैं। हे गाइस, तो अभी खाना आ गया, प्रिंस लेकर आ गया। वहाँ पे सामने चाचा के लड़की की शादी है ना, तो मैं बोली ला दो मेरे लिए खाना, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, तो बस ला दिया। प्रिंस निकल गए थे लेकर आए हैं खाना, तो बस खाना खा लेते हैं। इसके बाद जब बारात, अभी बारात नहीं आई है, बारात आ जाएगी फिर रेडी होकर हम लोग जाएंगे जयमाल वगैरह देखने के लिए। और मम्मी, रूमा, सोना, हस्बैंड और भैया, ये सभी लोग गए हैं, पापा भी गए हैं वहीं पे खाना खाने के लिए। मैंने अपना मंगा लिया यहीं पे कि आराम से मैं बैठ के खाऊंगी। और यहाँ देखिए निखिल भी लगा हुआ मेरे साथ में खाने के लिए। चलिए खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद बारात आएगी फिर रेडी होकर चलेंगे वहाँ पे, फिर आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ना खाना ना खा लिए थे, इसके बाद आ गए थे यहाँ पे बारात, जहाँ पे आई हुई तो बारात आ गई थी। और यहाँ पे देखिए ना तो हो रहा है तिलक हो रहा है, और गांव की शादी में ना मतलब इतने अच्छे से रीति रिवाज सब कुछ देखने को मिलता है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले जो तिलक है ना पहले ही हो जाता था, शादी सिर्फ होती थी, लेकिन अब जो ना तिलक शादी के दिन ही लोग कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए तो सभी लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, गांव में सबसे ज़्यादा देखने में मज़ा आता है ना, सबसे ज़्यादा तो ये देखिए भोजपुरी गाने का इतना ज़्यादा क्रेज़ है ना यहाँ पे, मतलब जब भी मैं आती हूँ ना तो अलग अलग तरह के अलग अलग नए नए गाने, और इतना ज़्यादा लोग नाचना तो बस पूछिए मत, इतना मज़ा आता है, इतना लोग इन्जॉय करते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए खूब लगे हुए हैं, तो ये बाराती की तरफ से आए हुए थे सारे, ससुराल की तरफ से, तो ये देखिए यहाँ पर लगे हुए हैं सब लोग। और इस वाले ब्लॉग में फ्रेंड्स आप लोगों को खूब भोजपुरी गाने डांस आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोग भी खूब एंजॉय करिए। सबसे मस्त तो है नाचा तो वही चाचा लोग, कौन है ये? एक तरफ तो बारात वाले लोग ना
नाच रहे हैं। और यहाँ पे देखिए तो अब तिलक हो गया था, परछन हो रहा है, दूल्हे का परछन होता है ना, परछते हैं क्या बोलते हैं ना, तो वो आरती उरती उतारते हैं उसको परछन बोलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सभी महिलाएं सब लोग मिलके परछन कर रहे हैं, और एक तरफ जिधर खाना का सब कुछ रखा हुआ है ना, और इधर स्टेज बना हुआ है, तो इधर जो है ना कि जो घर वाले सारे लड़के हैं वो लोग देखिए पीछे दिख रहे हैं ना, तो ये लोग नाच रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब इधर अपना ये लोग अलग से डीजे लगा रखे हैं, तो एक तरफ बराती की तरफ से नाच रहे हैं, एक तरफ डीजे वाले, बीच में परछन उरछन सब हो रहा है भाई। और यहाँ पे देखे तो हस्बैंड भी देख रहे थे ना, तो ये देखे ये भी कह रहे थे चलो चलते हैं, तो बस ये भी आए अपना देख रहे हैं, मैं अपना सभी माए हुए सब लोग हैं लड़कियाँ ना, तो उनके साथ में मैं देख रही हूँ। और पर ज़्यादा हम लोग रेडी नहीं हुए थे इसलिए क्योंकि गांव में शादियाँ तो ऐसी बहुत सारी, लेकिन अपने घर में जब रहते हैं तब मज़ा आता है, तो गांव में शादियाँ हैं तो इस तरीके से चाचा ही लगते हैं, तो उनके बेटी के था तभी भी हम लोग ऐसे ही चले गए थे। और ये देखिए बच्चियाँ इतना मतलब इंजॉय करते हैं, मज़ा आता है इन लोग का ना, तो बस यहाँ स्टेज बना था ना दुल्हा दुल्हन को बैठने के लिए, तो बस यहाँ पर हम लोग भी आ गए कि चलो एक एक फ़ोटो खिंचाते हैं, थोड़ा बड़ा मज़ा आता है इस तरीके से। अभी टाइम हो गया सुबह के 8 बज गए हैं, मैं अभी आज ना अभी सो के उठ रही हूँ, रात में इतना ज़्यादा लेट हो गया था, हम लोग गांव में शादी थी ना वहीं गए हुए थे, इतना ज़्यादा लेट हो गया था ना हम लोग को आते आते, और फिर उसके बाद बाहर ही सोती हूँ मैं, तो बाहर सोए थे ना तो इतना तेज़ आवाज़ आ रही थी ना, वो क्या बोलते हैं कि डीजे वगैरह का गाने का म्यूजिक चल रहा था ना, तो इतना तेज़ आवाज़ आ रही थी, तो रात में नींद ही नहीं लगी। जब वो बंद हो गया सुबह में, मुझे लगा 3-4 बजे बंद किए हैं ये लोग, उसके बाद जो कि सोई हूँ, तो अभी जो है कि उठी हूँ, मैं भी सो लेती हूँ क्योंकि दिन में भी नहीं सोना हो पाता, कहीं इधर जाना उधर जाना, और यहाँ पे इतना जल्दी सुबह हो जाती है ना, 4-4:30 बजे सभी लोग उठ ही जाते हैं, पापा तो 3 ही बजे उठ जाते हैं। बस अभी उठी हूँ और मम्मी और पूजा ने मिलकर बनाया है गर्मा गर्म आलू के पराठे, तो मैं जा रही हूँ, मैं आलू पराठे खाऊँगी, चाय पीऊँगी। सुना पापा कहाँ हैं, जा बुला कदे गर्मा एम खाए इसे पापा, जा बुला जा बोल तो कदम मम्मी बुला। कहाँ थे, कहाँ थे बताओ, मैं कितना ढूंढी हूँ आपको पता है, बहुत ज्यादा है, पूरा रोई नहीं हूँ, पूरा गांव ढूंढ के आई, फिर वही तो बोले देखो खाट पे बैठ गए ऐसे करा, इतना हैवी है ये, पेट में दर्द होने लगे। अरे तो उठा ले रहा है, मेरे से तो उठ ही नहीं रहा था कल, ए बन गई, क्या बोलते, क्या बन जाता है इससे, मसल्स बन जाते हैं। निखिल ऐसे बोल रहा था करने के लिए, पता नहीं, हाँ आए राम, मेरे से तो ये हो ही नहीं रहा था ऐसे, बस 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 बॉडी बन गई, अब रहने दो। नहीं वो नहीं खाएंगे, मुझे दे दो, कह रहे अभी थोड़ी देर रुक के खाऊंगा, सेवई नहीं, चाय नहीं बची है, हाँ तो चाय दे दो, वो पराठे दे दो, सेवई बाद में मैं खाऊंगी, सेवई भी बननी है, अभी नहीं खाऊंगी मम्मी, चाय पराठे मना तो कर रहे हैं, एक दो दे दो बस, देखते हैं खाते हैं कि नहीं, अभी कह रहे हैं नहीं नहीं बस चाय पराठे, सुबह सुबह इतना सारा, चाय ले लिया पराठे ले लिया, चलते यहीं पे पी लेते आ जाओ बाबू, पापा तो अभी पियेंगे नहीं, उन्होंने चाय पी लिया है, पराठे नहीं खाएंगे। भैया आ गए, बात कर रहे हैं अब लोग, उन लोग ना उन लोग का दिन बर्बाद चलता है, चलो हम लोग पी लेते हैं चाय और पराठे।